वेल हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट पैरामीटर के बारे में। ये दोनों चीजें क्या होती हैं हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैं चलता हूं अपने VS कोड पर एंड यहां पर हम लोग जो समझेंगे उसको यहां पे लिख देते हैं। तो मैं यहां पे सबसे पहले समझूंगा स्प्रेड ऑपरेटर को। तो यहां पर ऑपरेटर मैं लिख देता हूं एंड जो दूसरी चीज है वो है रेस्ट पैरामीटर। तो यहां पर इसको भी मैं लिख के कमेंट कर देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्प्रेड ऑपरेटर को एंड उसके बाद इसका जो प्रैक्टिकल है वो करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो एक एरे की तरीके से काम करता है। स्प्रेड ऑपरेटर का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखो मैं ट्रिपल डॉट यहाँ पे लगाता हूँ, ये होता है स्प्रेड ऑपरेटर। एंड उसी तरीके से जो ये रेस्ट पैरामीटर है उसका भी सिंटैक्स होता है ये ट्रिपल डॉट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ट्रिपल डॉट लिखा है उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक आइडेंटिफायर लिखते हैं, यानी कि एक वेरिएबल हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर ट्रिपल डॉट लगाने के बाद एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ये होता है एक सिंटैक्स स्प्रेड ऑपरेटर का। उसी तरीके से ये जो ट्रिपल डॉट है दूसरा वाला वो भी एक रेस्ट पैरामीटर है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो इस तरीके से ये सिंटैक्स होता है स्प्रेड ऑपरेटर का एंड यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर का। अभी हम लोग समझेंगे कि स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो मोस्टली यूज होता है एरे के साथ। तो यहाँ पर मैं एक एरे बनाता हूँ, लेट एर इज इक्वल टू एंड इसके अंदर 1, 2 एंड 3 हम लोगों ने वैल्यू डाली है। अब अगर मैं इस एर को यहाँ पे प्रिंट करता हूं तो आप लोग देखो, मैं यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो हम लोगों को पूरा का पूरा एरे मिल जाता है। ये हम लोग पहले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं करूंगा क्या, समझने की कोशिश करता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर को। तो यहाँ पर देखो, अब एक और मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ एर 1 नाम का एंड इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 4, 5 एंड 6। ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है एंड रेस्ट पैरामीटर है ये ES6 में आया है एंड उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग करने क्या वाले हैं उसको हम लोग समझते हैं कि ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है। अभी देखो, अगर मुझे इस एरे का, इस जो हम लोगों ने एर बनाया है इसका अगर मुझे स्प्रेड ऑपरेटर क्रिएट करना है तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने ट्रिपल डॉट लगाया एंड एर लिखता हूँ एंड इसको यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। तो आप लोग देखो मुझे 1, 2, 3 मिला जो कि एरे में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एर को प्रिंट करता हूँ एंड उसके बाद मैं ट्रिपल डॉट लगा के स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके इसको प्रिंट करता हूं तो आप लोग देखो यहां पर मुझे एक एरे मिला जो कि हम लोगों ने डायरेक्ट एर को प्रिंट किया एंड उसके बाद स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके हम लोगों ने उस एरे को प्रिंट किया। तो यहां पर देखो हम लोगों को जो वैल्यू मिल रही है वो अलग अलग मिल रही है। तो यहां पर अगर इन दोनों एरेज को मुझे मर्ज करना है तो वो कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर मैं क्या करता हूँ, लेट एर 3 नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ एंड इसके अंदर अगर मैं एक एम्प्टी एरे डालता हूं एंड इसको मैं यहां पे प्रिंट करता हूं तो आप लोग देखो यहां पे एक सिंपल खाली एरे हम लोगों को मिल जाएगा। अब मुझे अगर यहां पर इस एरे को मुझे इसके अंदर डालना होता तो मुझे यहां पर इस तरीके से लिखना होता। तो यहां पे देखो मुझे वो एरे मिल चुका है इस एरे में जो कि हम लोगों ने एर बनाया है अभी, लेकिन मुझे इनको मर्ज करना है। तो यहां पर अगर मैं प्लस लगाता हूं एंड एर 1 लिखता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारी आ रही हैं। ये मर्ज तो हो गया लेकिन एक एरे में नहीं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एरे बनाते हैं एंड इसके अंदर स्प्रेड ऑपरेटर लगाने के बाद एर का नाम लिखते हैं, क्योंकि पहला हमारा एरे है उसका मैं यहाँ पे नाम लिखता हूं। तो आप लोग देखो यहाँ पे मुझे एरे मिल चुका है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ एंड एर 3 को प्रिंट करता हूँ जो कि इसके अंदर हम लोगों ने स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके जो एर है उसकी वैल्यू एर 3 में डाली है, तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर ये एरे मिल रहा है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। अगर मुझे इस एरे को इसी एरे में मर्ज करना है तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉमा एंड उसके बाद मैं यहाँ पे एर 1 लिखता हूं। तो आप लोग देखो यहाँ पर एक एरे मिला, मुझे एक एरे मिला लेकिन इसके अंदर जो थर्ड इंडेक्स पे है वहां पे मुझे एक नया एरे मिला
जो कि हम लोगों ने यहां पर लिखा था। तो यहां पर क्या है कि हम लोगों ने इस एरे के अंदर स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया। तो अभी मैंने क्या इसको जब प्रिंट किया था तो मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल रही थी विदाउट एनी एरे, तो उसको उठा के मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरीके से एक एरे बन गया। एंड उसके बाद अगर कॉमा करने के बाद मैं फिर से ट्रिपल डॉट लगाऊ एंड इस एर वन का नाम लिखता हूं, तो आप लोग देखो यहाँ पर पूरा का पूरा एरे हम लोगों को मर्ज होके मिल गया है। यहाँ पर ये हुआ कैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर एर वन को प्रिंट किया एंड इस एर को भी प्रिंट करता हूँ, तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो एर को प्रिंट किया एंड एर वन को प्रिंट किया। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो वैल्यू हम लोगों को मिली 1, 2, 3 विदाउट एनी एरे, यहाँ पर एरे है लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी एरे हम लोगों को 1, 2, 3 मिला। एंड उसके बाद एर वन को प्रिंट किया तो ये जो वैल्यू है वो हम लोगों को मिली यहाँ पर 4, 5 मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को 4, 5, 6 मिली। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला एरे यहाँ पे डाला डॉट यानी कि स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करके एंड यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद दूसरा एरे हम लोगों ने डाला। तो उस तरीके से ऐसा करने से अगर मैं इसको एर थ्री को प्रिंट करता हूं तो आप लोग देखो मुझे एक पूरा का पूरा एरे मिल जाता है। तो अब इसके अंदर मुझे और वैल्यूज अगर इंसर्ट करनी होती तो वो कैसे मैं करूंगा। अगर मुझे कुछ और वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर एक नया एरे में बनाऊंगा, जैसे मैं उसमें एक ही वैल्यू डालता हूँ 7 एंड इसको मैं कर देता हूँ एरे 2 एंड इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद मैं लिखता हूँ एर 2, लेकिन उससे पहले मुझे इस एर 2 को स्प्रेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ट्रिपल डॉट लगाता हूँ एंड यहाँ पर देखो हम लोगों को 7 भी मिल चुका है। अब अगर मुझे इसके अंदर और वैल्यूज इंसर्ट करनी होती तो फिर से मुझे क्या एरे बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ एंड अगर मुझे और वैल्यूज इसमें इंसर्ट करनी है तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, जैसे 8, 9, 10 करके मैंने सेव किया। तो यहाँ पे देखो मुझे पूरा का पूरा एरे मिल चुका है जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से काम करता है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एक तरीके की कॉपी बनाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है एंड यहाँ पर अगर मैं इस एर को स्प्रेड ऑपरेटर के साथ यूज करता हूं तो यहाँ पर क्या होता है कि इस एरे की यहाँ पर एक कॉपी बन जाती है। तो इस तरीके से ये स्प्रेड ऑपरेटर काम करता है। अब इसी तरीके से ये अगर मैं इन सबको कमेंट करता हूं एंड आप लोगों को दिखाता हूं, इसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा लेट ओबीजे एंड इसके बाद मैंने यहां पे लिखा नेम एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया डीके एंड उसके बाद जो मैं क्लास डाल देता हूं, क्लास में डाल देता हूं 12 एंड इस तरीके से अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूं तो यहाँ पर देखो अगर मैं ओबीजे को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो आप लोग देखो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर डी स्ट्रक्चर करके इसको इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग करता हूँ तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर इस तरीके की एरर दिखा रहा है, स्प्रेड सिंटैक्स रिक्वायर्स आइटरेबल टू बी अ फंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को आइटरेट नहीं कर सकते। अगर मुझे इसको करना है तो यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूं तो आप लोग देखो इसको हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। अभी देखो अगर मैं यहाँ पर इस एरे को उठाता हूं कंट्रोल सी करके एंड यहां पर डालता हूं एंड अब अगर एक और कंसोल डॉट लॉग करता हूं, अभी अगर मैं ट्रिपल डॉट लगा के एर लिखता हूं तो आप लोग देखो मुझे 1, 2, 3 मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूं तो आप लोग देखो मुझे ये एरे के फॉर्मेट में मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पर हम लोगों को जो हमारा एरे है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल चुका है एंड इसका जो की है वो इसकी इंडेक्सेस बन गई है, यानी कि यहाँ पे जो एरे के इंडेक्सेस हैं वो यहाँ पे की बन गए हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग चाहें
ऑब्जेक्ट को ऐसे हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करें तो हम लोग नहीं कर सकते। अगर यहां पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाता हूं तो ये भी हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट आइटरेबल नहीं होते। लेकिन यहां पर हम लोग अगर इस तरीके से ऑब्जेक्ट यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ओबीजे को डिस्ट्रक्चर करते हैं तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ आप लोग समझो, क्योंकि यहां पर अगर हम लोगों को इस तरीके से प्रिंट करना है तो यहां पर हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर ये सब हटा दूं एंड उसके बाद इसको भी मैं हटा दूं तो आप लोग देखो इसी तरीके से ये प्रिंट होके आ रहा है, तो इसका यहाँ पे हम लोगों को फायदा क्या हुआ। अभी देखो इसको मैं करता हूँ कमेंट, अगर मुझे कोई नई की ऐड करनी होती है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ओबीजे एंड उसके बाद यहाँ पे डॉट लगाऊंगा न्यू एंड इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूंगा न्यू। तो आप लोग देखो यहाँ पर हम लोगों को एक तीसरी जो हमारी की है एंड वैल्यू है वो मिल जाती है। तो इसको हम लोगों को यहां से करने के लिए कैसे करेंगे, इन सबको मैं करता हूं कमेंट एंड स्प्रिंट ऑपरेटर के जरिए इसको मैं ऐड करूंगा। तो यहां पर मैं लगाऊंगा कॉमा एंड उसके बाद न्यू के अंदर मैं वैल्यू डालता हूं न्यू। तो आप लोग देखो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। मैं एक बार सेव करता हूं, फिर भी आप लोग देखो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ न्यू वन तो यहां पर इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर मुझे और ऐड करनी है तो यहां पर मैं लगाऊंगा न्यू टू एंड यहां पर वैल्यू लिख दूंगा। तो आप लोग देखो इस तरीके से हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को फायदा देता है, आसान बनाता है चीजें लिखने में एंड चीजें समझने में। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी अगर मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट को ऐड करना होता तो यहां पर इस तरीके से हम लोग ऐड करते जो हमारा मल्टीपल लाइन्स में होता। लेकिन यहां पर जो ES6 में ये स्प्रेड ऑपरेटर है वो हम लोगों को इतना बचाता है एंड यहाँ पर इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट में की ऐड कर सकते हैं एंड यहाँ पर एक कॉपी बना सकते हैं इस ऑब्जेक्ट। तो अब हम लोग समझेंगे रेस्ट पैरामीटर। तो यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर का हम लोगों ने जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरीके से ही समझा था कि एक स्प्रेड ऑपरेटर की तरह होता है एंड यहाँ पर एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर समझता हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, जो पैरामीटर है यानी कि नाम से ही पता चलता है कि ये पैरामीटर है एंड यहाँ पर ये फंक्शन के पैरामीटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ सम वैल्यू एंड इसके पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कुछ पैरामीटर लेंगे जो हम लोग पिछले वीडियोज में समझ चुके हैं एंड इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूंगा कंसोलिडेटर लॉग ए प्लस बी प्लस सी एंड उसके बाद अगर मुझे इसको कॉल करना होता है तो हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं समवेयर एंड यहाँ पर इस तरीके से। अगर मैं ऐसे ही इसको छोड़ दूं तो आप लोग देखो यहाँ पर नोट नंबर हम लोगों को दिखा रहा है यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेंड नहीं किया है तो इन पैरामीटर्स में अनडिफाइंड मिल रहा है जिसे यहाँ पर हम लोगों को एक्सेप्शन दे रहा है नॉट अ नंबर की। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1, 2 एंड 3 यहाँ पर भेजता हूँ। तो अब लोग देखो एज अ आर्गुमेंट हम लोगों ने 1, 2, 3 दिया एंड यहां पर ये एक्सेप्ट करेगा एज अ पैरामीटर इन वैल्यूज को ए में 1 को बी में 2 को एंड 3 को एंड 3 को सी में यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा एंड उसके बाद इन सबको ऐड करके हम लोगों को वैल्यू देगा। तो यहां पर मैं करता हूँ सेव एंड यहाँ पे देखो हम लोगों को 6 मिल रहा है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ जैसे क्लियर ना दिखे। तो यहाँ पर हम लोगों को 6 मिल रहा है जो इन तीनों को ऐड करके मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखो अगर मुझे यहाँ पर क्या है कि 3 वैल्यूज को ऐड करना था तो हम लोगों ने ऐड किया, लेकिन यहाँ पर मैं अगर कुछ और वैल्यूज बढ़ा दूं तो आप लोग देखो इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 6 मिल रहा है लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही पैरामीटर्स भेजे फिर भी हम लोगों को 6 ही मिल रहा है जो कि इन तीनों को ऐड करके दे रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे वो आप लोग देखो, यानी कि मुझे सिर्फ ऐड करना है ठीक एंड यहां से मैं कितनी भी वैल्यूज भेज सकता हूं अपने फंक्शन में वो इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक ट्रिपल डॉट लगाता हूं एंड एक यहां पे वेरिएबल का नाम लिखता हूं सम इनपुट। सम इनपुट मैं कर यहां पे ले लेता हूं एंड अगर मैं यहां पे इस केवल सम इनपुट जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है यहां पे प्रिंट करता हूं तो आप लोग देखो यहाँ पे एक एरे हम लोगों को मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से जो भी हम लोगों ने यहाँ से वैल्यूज भेजी हैं। अब अगर मैं यहाँ पे डॉट 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 लगाता हूं तो आप लोग देखो मुझे ये सारी वैल्यूज अलग अलग मिल जाएंगी एक एरे से हटके।
अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे? देखो, यहां पर हम लोगों को एक एरे में, सम इनपुट के एरे में ये सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। अब अगर मुझे इनको ऐड करना है, सम करना है, तो ये हम लोग कर सकते हैं, हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो यहां पर मैं फॉर ऑफ लूप लगाता हूं, लेट आई ऑफ सम इनपुट, एंड इसके बाद अगर मैं यहां पे कंसोल डॉट लॉग करूं आई को, सिर्फ आई को, तो यहां पे देखो हम लोगों को 1, 2, 3 इस तरीके से मिल चुकी है अलग अलग वैल्यूज जो यहां पर हम लोगों ने सेंड किया है। अब अगर मुझे इनको प्रिंट करना है तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? देखो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक वेरिएबल बनाता हूं लेट टोटल नाम का, टोटल वैल, ठीक, इसमें मैं 0 डाल देता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर क्या करता हूं, इस टोटल वैल में मैं असाइन करता हूं टोटल वैल प्लस आई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इस कंसोल डॉट लॉग करता हूं टोटल वैल को, तो आप लोग देखो मुझे यहां पर टोटल वैल्यू मिल गई है इन सब का ऐड होके। तो यहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहां पर सम इनपुट में मुझे वैल्यूज मिली, ठीक है, एज एन एरे, लेकिन यहां पर डी स्ट्रक्चर कर दिया तो मुझे अलग अलग वैल्यूज मिल गई। इतना हम लोगों को समझ में आया, लेकिन यहां पर जो फॉर लूप लगाया है वो कैसे काम किया मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो यहां पर टोटल वैल हम लोगों ने वेरिएबल लिखा एंड इसमें हम लोगों ने 0 डाल दिया, यानी कि टोटल वैल की जो वैल्यू है वो अभी 0 है, एंड उसके बाद ये जो फॉर लूप है वो चलेगी, एंड फॉर लूप तब तक चलेगी जब तक ये सम इनपुट का जो वेरिएबल्स हैं, जितने भी इंडेक्सेस हैं, वो खत्म नहीं हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा कि ये जो टोटल वैल है उसके अंदर टोटल वैल प्लस आई, आई में सबसे पहले पहली वैल्यू आएगी जो कि 1 है, एंड उसके बाद दूसरी, तीसरी, इस तरीके से आती जाएगी। पहली वैल्यू जो आएगी वो होगी 1, ठीक है, एंड इसकी होगी 0। मैं लिख देता हूं यहां पे टोटल वैल, एंड इस सबसे पहले इसमें आएगी 0, ठीक है, जो कि टोटल वैल को वैल की पहली वैल्यू है, एंड उसके बाद प्लस करके आई में पहली वैल्यू आएगी जो कि हमारी यहाँ पे 1 है, ठीक है, एंड उसके बाद इस टोटल वैल में असाइन हो जाएगी। इसी तरीके से फिर से जब इस टोटल वैल को हम लोग लिखते हैं एंड उसके बाद इस टोटल वैल में, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने 0 + 1 को असाइन कर दिया टोटल वन में, फिर उसके बाद यहाँ पर जो टोटल वन की दूसरी वैल्यू आएगी वो होगी 1, एंड उसके बाद जो आई की वैल्यू है जो यहाँ पर आ रही है वो होगी हमारी 2, जो यहाँ पर हम लोगों ने सेंड किया है दूसरी वैल्यू, एंड उसके बाद फिर से ऐड होगी 3 होगी, फिर इसी तरीके से टोटल वैल की वैल्यू ऐड होती जाएगी, एंड यहाँ पर आई को ऐड करके ये टोटल वैल में असाइन करेगा, एंड यहाँ पर जो टोटल वैल है वो 18 आ रही है। तो इस तरीके से ये ऐड होता है, एंड यहाँ पर अगर हम लोग चाहें कि इस एक्सप्रेशन को कुछ और तरीके से लिखना, तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वैल प्लस एंड इक्वल टू आई, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कमेंट। तो आप लोग देखो यहाँ पर फिर भी हम लोगों को 18 मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 8, तो यहाँ पे देखो हम लोगों को 21 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो ये एक्सप्रेशन लिखा है कुछ इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि टोटल वैल प्लस इक्वल टू आई, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, एंड यहाँ पर माइनस होता तो माइनस इक्वल टू, एंड यहाँ पर अगर डिवाइड होता तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड लगाते। अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस यहाँ पे लिख दिया है। तो कुछ इस तरीके से जो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है एंड रेस्ट पैरामीटर है काम करता है। मुझे लगता है आप लोगों को इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जरूर आंसर करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।